हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिट्टी को आकार देते कांपते हाथ, युवा हाथों का मिलता साथ। आबू रोड में रोशनी के पर्व दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के कुम्हार मोहल्ले का वातावरण मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठा है। कुम्हार चाक मिट्टी को आकार देने में जुटे हुए हैं। गुंदी हुई मिट्टी से घूमते चाक पर विभिन्न तरह के दीपक, बच्चों के गुल्लक आदि आकार लेने लगे हैं। चाक के सुबह से घूमना शुरू हुआ सिलसिला देर रात तक जारी है। बदलते बाजीकरण के चलते त्योहारों पर चाइना की रंग चढ़ने लगा है। विभिन्न त्योहारों के अनुरूप चाइनीज पतंग, डोर, फटाके, पिचकारी, गुलाल, दीपक आदि की बहुतायत हुई है। इसका असर दीपावली पर्व पर देखने को मिलता है, जिसके चलते चाइनीज दीपक ने भी बाजार में दस्तक दे दी है। आकर्षक डिजाइन में मिलने वाले दीपक लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसके चलते दीपावली पर इनका बिक्री का ग्राफ बढ़ जाता है। आबू रोड में मिट्टी उद्योग से जुड़ कुछ ही परिवार बाकी बचे हैं। आमदनी कम होने से युवाओं ने अन्य रोजगारों की ओर रुख कर लिया है, लेकिन बुर्जुआ बोड़म कांपते हाथों से पुरातन संस्कृति को थामे हुए हैं। चाक पर मिट्टी के बर्तनों और दीपकों को आकार दे रहे हैं। गत 4 वर्ष में मिट्टी के दीपकों में लोगों का रुझान बढ़ा है। ऐसे में बेहतर और सुनहरे भविष्य की आस से बुजुर्गों के साथ युवा भी आने लगे हैं। दीपावली पर्व के दस्तक देते हुए कुम्हार मोहल्ले में मिट्टी के बर्तनों, दीपकों और निर्माण शुरू हो गया है। बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी चाक पर निर्माण के साथ बाजार में विक्रय तक की कमान संभाल ली है। वहीं बाजार में दीपकों की मांग को देखते हुए मिट्टी उद्योग से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। कि पहले तो यानी हमारी ज्यादा सेल होती थी, लेकिन अब बहुत कम सेल होने लगी, क्योंकि चाइना मार्केट आने से हमारा यानी जो है बिजली वगैरह, ये लाइट वगैरह आती है, चाइना के दीपक भी आ रहे हैं आजकल। तो उससे क्या है कि हमारे जो हाथ से हम बनाते हैं और मशीनों से जो बनाते हैं दिए, वो क्या सस्ते पड़ते हैं, तो लोग उसी को खरीदते हैं। और हाथ से बनाए हुए हमारी लागत वगैरह ये सब बहुत ज्यादा होती है, तो लोग क्या है कि लोग, लेकिन फिर भी चलो आज परंपरागत लोग लेते हैं, लेकिन चल जाता है, लेकिन पहले के मुकाबले में अब कम है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।